नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक उपाध्याय। जैसा कि आपको जिला पंचायत अध्यक्ष पद की तमाम खबरों से अपडेट कराते रहे हैं, आज हम आपको बताएंगे कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें से कोई एक प्रत्याशी पर्चा उठा सकता है। अब यह प्रत्याशी कौन होगा, यह तो कल ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है। जैसा कि आपको बता दें, जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम कुछ इस प्रकार रहा। 26 जून को पर्चों का नामांकन किया गया, मतलब नामांकन फॉर्म दाखिल किया गया। 29 जून को नाम वापसी है व 3 जुलाई को मतदान व मतगणना की जाएगी। कलेक्ट्रेट स्थित DM कोर्ट में नामांकन कक्ष और मतगणना मतदान स्थल में ही यह पूरा कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि जो नाम कल वापस होगा, यह तो तय है कि अपना दल से 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, जिसमें अपना दल एस की घोषित प्रत्याशी का नाम है रीता पटेल, वह तो मैदान में रहेंगी। उनके अलावा जिला पंचायत सदस्य जीती हुई अपना दल एस की सुनीता वर्मा ने भी नामांकन किया है, ऐसे में वह अपना पर्चा निश्चित तौर पर वापस लेंगी। इसके अलावा भी अगर एकाक नाम हो सकते हैं, अगर अपना दल एस की तरफ से भाजपा पर गठबंधन धर्म का दबाव बनाया जा सकता है, तो देखा जा सकता है कि कल नीलम सिंह, जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं भाजपा की, वह अपना पर्चा वापस ले सकती हैं। यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल मैदान में कल निश्चित तौर पर किसी एक पर्चे की वापसी होगी। अगर भाजपा गठबंधन धर्म का पालन करेगी तो 2 पर्चे कल वापस हो जाएंगे।